आप प्लीज प्रार्थना करना मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। मम्मी आप कैसे, ठीक है थोड़ी सी हाल? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। गाइस आपको पता था कि मैं कुछ दिन से ब्लॉग नहीं कर रही थी कंटिन्यू, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा, वन वीक में ही इतनी मतलब हालत पता नहीं क्या स्थिति हो गई थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी मम्मी को, तो डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाना पड़ा और वन वीक के अंदर ही मम्मी का ऑपरेट कराना पड़ा। तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो मैं मम्मी से मिलवाऊंगी आपको, अब थोड़ा बेटर है और मम्मी को अब वन वीक हो गया है ऑपरेशन हुए, तो थोड़ा अच्छा फील कर रही हैं, तो मैं आपको मिलवाऊंगी अभी मम्मी से। तो सो गाइस वो दिन मैं मतलब भूल नहीं सकती जिस दिन मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, वो दिन भगवान ना आए कभी भी, उस दिन माता रानी की बहुत कृपा हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा और सबसे पहले आपकी दुआएं भी लगी हैं। ओके, तो मम्मी आ गई हैं घर पर और सबसे पहले आपका भी, आप मेरी YouTube फैमिली, आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी का धन्यवाद। आपने भी भगवान से प्रार्थना की थी मम्मी के लिए कि मम्मी ठीक होके आ जाए, तो मम्मी घर पर आ गई है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, माई YouTube फैमिली, मेरी जो YouTube फैमिली है, तो मैं सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की। तो आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। तो मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हो कि एक बेटी मतलब कैसी रहेगी जब माँ की इतनी तबीयत ख़राब हो और हार्ट का ऑपरेशन हो। तो मुझे बिल्कुल वो नहीं था ब्लॉगिंग का किस चीज़ का, एक दो शॉर्ट वगैरह बनाई थी मम्मी की मैंने, तो वो भी बस ऐसे ही बनाई थी, जो भी बनी मैंने आपको वो डाली हुई है मैंने अपने चैनल पर, तो आप जाके देख लेना। तो आप थोड़ा सा मम्मी बेटर है, तो चलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी उस समय, तो मुझे प्लीज़ प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और चलिए मैं मम्मी से आपको मिलवाती हूँ। मैं अंदर रूम में ही बात कर रही हूँ। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस माता रानी ने अपनी कृपा करी। और सो फ्रेंड्स, जब मम्मी का ऑपरेशन हो रहा था मुझे कोई होश नहीं था, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं ही देख के आई थी मम्मी को कि मुझे मम्मी को देखना है। जब बाहर आई थी तब मुझे थोड़ा सा दिल को शांति मिली कि मेरी मम्मी ठीक है अब, पहले से मतलब ठीक थी। और चलिए, बहुत स्वेटिंग हो रही है यहाँ पर, देखिए मैं रूम में अंदर बना रही हूँ, बहुत गर्मी है। बारिश तो हुई थी मगर कोई फ़ायदा नहीं है, वो और ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो देखो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मैं आपके लिए रूम में आई थी यहाँ पर, तो चलो मैंने कहा चलो अपनी फैमिली से बहुत दिन हो गए बात नहीं हो पाई है, तो चलिए अब मैं ब्लॉग देखती हूँ कंटिन्यू। भगवान माता रानी ठीक ठाक सबको रखे तो कंटिन्यू मैं ब्लॉग रहूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज़। तो चलिए मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। ये वगैरह दी है और मैंने, तो मम्मी को टाइम से सारी चीज़ देनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग दवाई लेती है। तो ये देखो बैठी हुई है, अभी दवाई दी है, अभी सब चाय वगैरह दे दी है। देखो यहाँ से ऑपरेशन हुआ था मम्मी का, ये देखो ये। और सो फ्रेंड्स, मम्मी को यहाँ पर पेस मेकर डला हुआ है, आप प्लीज़ प्रार्थना करना मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। मम्मी आप कैसे, ठीक है थोड़ी सी हाल? थोड़ा सा बस ऐसे ही रहती हैं, थोड़ा बिठा के मतलब पकड़ के बिठाते हैं फिर उधर लेटाते हैं। यहाँ पे मम्मी को सॉफ्ट लग रहा है सोफ़े पर, तो कही थी मम्मी मैं यहीं पर लेट जाऊँगी, तो रात को अपना फोल्डिंग वगैरह यहाँ डाल देते हैं, तो मम्मी यहाँ पर सो जाती हैं फोल्डिंग पर। अभी तो दिन में तो मम्मी यहीं पर लेटी रहती हैं, कह रही मुझे अच्छा लगता है सबको देख के। तो चलिए मम्मी की दवाई हो गई है, शुगर भी अभी टेस्ट किया था, तो ये शुगर किट है अभी बस, शुगर देखा देखो ये शुगर वगैरह अभी बस टेस्ट करके, तो थोड़ा ठीक है, शुगर नॉर्मल है और माता रानी ठीक रखे। और बीपी चेक करा था मम्मी, बीपी भी चेक किया था, मम्मी जी ने ही किया था बीपी, तो बीपी भी नॉर्मल था, थोड़ा ठीक है बीपी भी। तो चलो लेटाऊँ क्या? चलो अभी थोड़ी देर बैठेंगी, क्योंकि लेटे लेटे भी मम्मी की कमर दुख जाती है, तो पीछे कुछ सपोर्ट लेके तब बैठती हैं थोड़ा सा। तो ये कंडीशन है मम्मी की, देखो चलो। सो गाइस चलिए, मम्मी के लिए मैं मखाने मैंने वो करे हैं थोड़ा सा, डॉक्टर ने बोला था कि धीरे धीरे अपना इनको थोड़ा थोड़ा चीज़ें देने लगो, थोड़ा सा बहुत वीकनेस हो गई है। तो ये मैंने घी नहीं इसमें डाला, थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर दिए, घी नहीं दे सकते अभी, दूध वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो ये खाली में फ्राई करके रख दूँगी, मम्मी अपना थोड़ा थोड़ा खा लिया करेंगी। हल्के से रोस्ट किए थे,
तो चलो मम्मी जब चाय वगैरह के साथ ले लिया करेंगी तो अब इनको रख देते हैं और मम्मी को यहाँ पे, मम्मी लेटाऊँ, मम्मी को थोड़ी देर बाद लेटाऊँगी। और मम्मी के लिए यहाँ मैंने ये देखो ये थोड़ा सा साग बनाया है पालक का, हल्का सा हींग जीरे में छोंक के मम्मी को दे दूँगी इसको। थोड़ा सा मम्मी धीरे धीरे खाने लगेंगी तो ठीक हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो डॉक्टर ने तो बोला सारी चीज़ें दो, मगर हम थोड़ा सा सोच समझ के दे रहे हैं कि वो तो वहाँ पर तो हॉस्पिटल में सारी चीज़ें दे दी थी, सूप और ये दूध का दलिया वगैरह, मगर मैंने अभी यहाँ नहीं दिया दूध का दलिया वगैरह, थोड़ा डर लगता है क्योंकि अभी स्टिच, अभी आज या कल में देखो जाएंगे डॉक्टर के पास तो तब स्टिच कटवाने हैं, अभी इसलिए अभी मैंने दूध की कोई चीज़ नहीं दी है मम्मी को। तो चलो सो गाइस आज हमारा भी फास्ट है तो थोड़ा सा हम भी इसमें मखाने, मैंने अपने लिए भी ये फ्राई कर लिए मूँगफली है और आज मंडे है तो चलिए मैं अपना ये चाय बना लेती हूँ। मीजी भी नहा के आ रहे हैं तो मूँगफली मैं अब भूनूंगी इसके बाद में। तो ये मैंने थोड़ी सी फ्राई कर दी है अपने लिए, हल्का सा घी डाल दिया, मम्मी तो घी अभी थोड़ा सा अवॉइड करना है, घी वैसे भी नहीं खाती मम्मी, तो घी नहीं खाती है, आज तक मम्मी ने घी नहीं खाया। तो चलो ये भी हल्के से हो गए हैं तो अब मैं मूंगफली फ्राई करती हूँ उनको निकाल के। आयुष का देखो उठ के, ये देखो दूध, अरे मखाने, आयुष पैर कहाँ जा रहे हैं, ये देखो स्टाइल खाने का, उधर टीवी चल रहा है। चलो सो गाइस ले आती हूँ मैं मुझे के लिए भी चाय और अपने लिए भी। चलो चाय भी बन गई मेरी, चलो ओ चाय बाहर आ जाती मेरी, चलो चाय करते हैं। तो फ्रेंड्स फास्ट में गिलास में तो हम पीते नहीं हैं तो चलिए गिलास में नहीं कफ में नहीं पीते। ले लो चाय अपनी, अच्छा पहले बनाना खाएंगे। चलिए अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, मेरी चाय येरी थोड़ा ज़्यादा हो गई बस बहुत है इतनी। और ये देखो मेरे कान्हा जी, ये देखो आज मैंने ग्रीन पहनाया, ग्रीन कपड़े, भूख लगा रहे हैं कान्हा जी भी अपना। सो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए चेयर लेने के लिए, कंफर्टेबल रहे जो, तो चलिए चलते हैं, बहुत गर्मी है और स्कूटी पर। ये वाली चेयर पसंद आई है हमें, ये कंफर्टेबल है ये वाली, ये। So guys, अभी मम्मा और डैडी गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए और जोर से बोले थोड़ा सा, और मम्मा डैडी नानी के लिए लाए हैं ये फोल्डिंग चेयर्स भी आ रही है, मम्मा ने चेयर्स भी लाई हैं नानी के लिए, चेयर्स भी आ चुकी हैं, ये देखिए। और ये देखिए गाइस मम्मा नानी को खिला रही हैं जामुन, क्योंकि नानी की फेवरेट है, नानी ने कहा था लेकर आना, शुगर में अच्छी होती है ना, डायबिटिक पेशेंट को ये देनी चाहिए जामुन। खा लूँगी, कह रही खा ले तू, मेरी भी करो ये, मैं काट के दे रही हूँ कभी कुछ, वैसे तो अच्छी है साफ है, मगर वो ये थोड़ा सा मुझे डर लगता है इसलिए मैं। चलिए सो फ्रेंड्स काफ़ी थकान हो गई, बहुत गर्मी थी बाहर, और मम्मी के लिए चेयर जैसे कि अभी उन्होंने दिखाया चेयर लेके आ गए हैं तो मम्मी उस पर बैठ भी गई हैं,
क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। पहली जो चेयर थी वो थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो कभी मम्मी गिर जाए या टूट जाए, वो थोड़ा हल्की थी। तो अब थोड़ा हैवी चेयर लिया है मम्मी को बैठने के लिए। दिखाती हूँ मैं, मम्मी बैठी है आराम से, अभी ये आके रखी हुई है इधर, आयुष ने सजाई है ये। अब मम्मी इधर बैठी है, देखो मम्मी ठीक लग रहा है थोड़ा सा, तो बैठ गई है थोड़ा सा। तो टीवी चला दिया इधर, थोड़ा सा मम्मी का थोड़ा ध्यान बटेगा। और कसा इधर तकिया लगा दिया है, ये देखो। तो मम्मी अब थोड़ा पैर रख के बैठ गई हैं, मगर मम्मी को है ना दर्द यहाँ पे अभी भी है, यहाँ पे देखिए। मुझे तो बड़ा पूरी बॉडी में करंट सा लग जाता हाथ लगाते ही, है ना भाई। और सो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और ब्लॉग को मैं आगे आगे कंटिन्यू ऐसे ही रखूंगी, रोज डेली ब्लॉग डालूंगी अब। और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सो फ्रेंड्स, चलिए मैंने आपको मम्मी से मिलवा दिया, मम्मी की तबीयत कैसी है, और मम्मी के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग करना और प्रे करना कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। और अभी तो फिलहाल मम्मी यहीं पर रहेंगी क्योंकि डॉक्टर को जल्दी जल्दी दिखाना पड़ता है, और कल मम्मी के स्टिच शायद हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, कटवाएंगे जाके। तो देखो डॉक्टर क्या बोलता है, सब कुछ अच्छा ही रहेगा भगवान की कृपा से। तो चलिए, आप काफ़ी टाइम भी हो गया, मम्मी को कुछ खाने के लिए मैं दे देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मम्मी को वीकनेस भी होती है तो कुछ देना पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।